लहसुन है और हल्दी सब्ज है और बहुत आसान करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी की हाल सारे दे। आज मैं ना थोड़ा जहा लेट उठा, तकरीबन टाइम हो गया है 11 बज गए ने सुबह दे और मैं हूँ जुमे की तैयारी भी करनी। अज जुमा है सारे पेंडिंग जुमा तो मुबारक। और मैं आया सी तंदूर की जी सफाई कर आखरी तंदूर की सफाई वगैरह कंप्लीट हो गई है और चेक करो हूँ बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। रोड़े टिब्बे शिब्बे सारे जोड़े है ना बंद हो गए हूँ, बस इनका खुश्क होने का इंतजार करना है। और अज मौसम जबरदस्त है, सूरज जबरदस्त लगे हुआ है, दो घंटे तक ना है बाहर कड़ा गया जो ही इंशाल्लाह। तंदूर थोड़ा जहा गीला है, बस काफ़ी सारे बन भाई रिक्वेस्ट की थी कि नवाज भाई जो इन बाहर कड़ना है ना उदो बखाना जरूर है। तो इंशाल्लाह तकरीबन हूँ टाइम 11:30 का है मेरे ख्याल है और तकरीबन 4-1 बजे तक इन्होंने बाहर कड़ना है इंशाल्लाह। पिछले जुमे भी बड़ी हैवी किस्म की जी है ना पार्टी की सी, अज इस बार फिर सोच रहा कि शायद जावे ना कोई अनोखी चीज़ लैके आवे जी पहले जिंदगी कदे ना बनाई हो। टाइम हो चुका है जी 2:54 यानी फ्राइडे 29 तरीक तीसरा महीना। हूँ तो साढ़ा 3 बज गए ने, हूँ तो साढ़ा काम जरा शुरू हो गया। सुबह दे सी ना तकरीबन वेले सी ठीक हो गया, मैं जुमा पढ़न चला गया, पहले सुते रहा बैठे रहा आराम सुकून और फिर मैं जुमा पढ़न चला गया। हूँ ही कुछ समान वगैरह वापस लैन द बेगम साहब ने कहा कि हूँ खाण पीन की तैयारी हो। और आज माशाल्लाह अलहमदुल्ला जी स्पैशल तंदूरी चिकन जेड़ा है, तंदूरी चिकन नहीं कढ़ाई चिकन साबत कढ़ाई चिकन बन गए। हाँ क्योंकि तंदूरी चिकन तो मेरे ख्याल होंगे किसी दिन तंदूर च पक्के, हाँ वह तंदूरी चिकन हो साबत मुर्गे लैके आते ने अज माशाल्लाह दो इन्नी सफाई कर ला अच्छी तरह चर्बी चुरबी ला के धो तो के साफ सुथरा करके फिर उन्होंने अच्छी तरीके टक लावे। और पिछली दफ़ा ना काफ़ी सारे बहन भाई कह रहे थे कि नवाज भाई ना टक अच्छी तरह लाए बिचों कच्चा रह जाता तो कच्चा जेड़ा कहना पिछली बार कोई नहीं रहा सी टक लाए हुए थे अच्छी तरीके। इस बार वैसे तुम दिखा के टक लावे अच्छी तरीके क्योंकि साबत मुर्गा है तो इनू जेड़ा कहना फिर अच्छी तरीके पकाना है इनशाला। अगले दिन हाले फीस दिती है, हाले दे के वेले हूँ नवी फिर स्कूल की फीस आ गई 4 महीना 6 तरीक की। 3 बज गए ने चल के देखा तंदूर जेड़ा ना खुश्क होया कि नहीं देखना अलहमदुल्ला जी तंदूर हो चुके है खुश्क, बिल्कुल खुश्क इन्ना ज्यादा नहीं हो लेकिन हूँ ना बाहर निकल जाएगा आसानी नाल। बेगम साहबन बुला के लैमना अब्दुल रहमान लैके आना इनू कटदे हैं बाहर, तीनों जने रल मिल के एक जना मोबाइल पकड़ेगा और दोनों जने असी ना रल के कढ़ा गे बाहर। बाकी मैं देख रहा सी माशाल्लाह टमाटर ही फुट रहे ने, टमाटर के पौधे और मिर्चा दे अलहमदुल्ला जिन्हें पौधे लाए थे ना सारे ग्रो करते पे, एक पौधा भी जोड़ा है ना खराब नहीं होया सब्जी का। जिन्हें लाए थे मिर्चा दे टमाटर दे और बैंगन वगैरह लाए थे, बैंगन वगैरह भी सारे हो गए ने। बेगम साहब मसरूफ है खाना बनाने, हाँ जी की गल है रोई जा रही मान मारे मारे सुलाते सर मेरे सुन चौका 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 ये है जी साढ़े दोनों की मेहनत। हाँ देखो ना दिखाव सब तंदूर ना बड़ा खूबसूरत निकलिया कमाल दा, साडी मेहनत पूरी हो गई हुण इहदी सफाई वगैरह करदे आ। सफाई तो इलावा इनू बैक साइड तू हाले लिपाई भी कर रहे हैं और यह जिहड़ा कट्टा मिट्टी नजर आ रहे हैं थोड़ी जी धुप लग गई ना तो ऐटोमैटिक है ना गिर रहा है सन नज़र आ रहा है सारा उत्तों ला के दोबारा मगरों लिपाई करनी है मुँह बनाना है मसल काफ़ी 2-3 मिनट जगह लगन गए थोड़ा जहा खुश हो लवे
ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਮਿਰਚਾਂ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਲਾਏ ਨੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਇਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਲੈਬਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਈ ਬੈਠੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਮੁਰਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੈੱਕ बिल्कुल साफ सुथरी कर ले सी और उस बाद खुश्क भी किया थोड़ा बहुत खुश्क करके हुण इन टक वगैरह लाने सारे नू और इहदे विच पा रहे सी कालियां मिर्चां दूसरियां भी अज पा लवी उहदे नाल ज्यादा जिहड़ा हैगा ना करारा बनदा है और इस तों इलावा विच लसण है और हल्दी सबज है और सबज मिर्चां ने अलहमदुल्ला एक नू जिहड़ा हैगा ना ला लैण टक वगैरह तुसीं देख सकदे हो और बड़े गहरे लाए ने मैं कहा विचों ना कच्चा ना रह जाए और दूसरे दी हुण वारी है मुर्गे है ही नहीं माशाल्लाह सेहतमंद है बर्तन असी थोड़ा जिहा खुला मंगाया इहदे च मसाला वगैरह लाना ना आसान होवेगा और क्योंकि उनके मसाला सही तरह नहीं लगना सी आसानी ने मसाला लग जाएगा और लगता है आज इन्हें रखीना को नहीं है मेरे ख्याल रख देंगे ला के मसाला वगैरह दो घंटे फिर अच्छा हो जाना सी काला कितों लग गई मैं तवा पे मेरे ख्याल उतों लगे बाकी तो ठीक है लगता है बेगम ने मसाला जो है ना थोड़ा बनाया चलो देखने क्योंकि अज ना मुर्गे दो ने मसाला बहुत लाल मिर्चा इस तरह दी दावतां राबिया सिस्टर ही बनांदे हुंदे ने अपनी मतलब रेसिपियां वगैरह सोचिया इस रमजान च असीं भी दो चार दावतां करका दे भी इक दावत और दा जिहड़ा कहिंदा प्रोग्राम बनाई वना ओह इस तरह दी हैवी किस्म दी जिहड़ी इंशाल्लाह लेकिन थोड़ा जिहा या ईद तों बाद नहीं या ईद तों पहले ईद तों बाद या ईद तों पहले हो सकदा कि चंगी हैवी किस्म दी जिहड़ी हैगी ना दावत करनी असीं अपनी अपनी दावत करनी है हाँ अपनी ही दावत करनी है और माशाल्लाह काफ़ी दिन बाद और जिंदगी दे विच पहली बारी असी घर दे विच दो मुर्गे इकट्ठे बना रहे जिंदगी दे विच पहली बारी और अल्लाह पाक ही सब नू जिहड़े हैगा ना गुंजाइश देवे और जिन्ने के भैणा भाई देख रहे ने सारे खान अगे दूसरी पाई जाई पानी इस बारी लाल मिर्चा लाजमी पाई है पिछली बार असल करारा इन्ना नहीं बनया सी बाकी ते नमकीन ते हैगा सी हां मिर्चा काफी है क्योंकि सबज बहुत चल बड़ियां ने सबज ही काफी पाईयां ने इंदे विच असी हल्दी भी पाई आ सुक्की भी सबज भी ते अदरक भी पाई आ अदरक बाद च लै आंदी सी ये नमक है नहीं अच्छा अच्छा धनिया सुक्का बेसन थोड़ा जा बेसन विच पावांगे ताके ना फिर फ्राई जो होगा ना खूबसूरत लगेगा मक्खियां आनियां जिहड़ियां ना शुरू हो चुकिया ने गर्मी हां जी थोड़ा जहा और पा लीए मैं कम ना हो गए किधरे थोड़ा जहा नरम करांगे ना आसानी ना फिर ना इन उपर लाना आसान हो जाएगा और कालिया मिर्चा बहुत ने पहले उड़िया फिर दिया ने अलहमदुल्ला और मसाला जबरदस्त तैयार हो गया अच्छी तरीके मसाला लाया जा रहा है जो कट वगैरह दिते उन्हें उन्होंने भी देसी स्टाइल नाल मुर्गा असी पकाने साडा अनोखा स्टाइल है बाकी जेडे प्रोफेसनल ने वो तो फिर प्रोफेसनल ने असी उन्हों का कितने मुकाबला कर सकते हैं असी अपनी मचा के बैठे हाँ फाइनली अलहमदुल्ला जी काफ़ी मेहनत तो बाद चेक करो मसाला वगैरह ना बिल्कुल अच्छी तरीके लग चुके और हुण चलें असी माझ वास्ते पहले पट्ठे बना लें उन्नी देर तक ये सैट हो जाएगा और सूरज भी जिहड़ा हैगा ना गरूब होया खड़ा वापसी ते आख फिर इंदी करने फ्राई
कढ़ाई साड़ी आ चुकी है और काफ़ी टाइम हो गया है मुर्गे नू जड़ा ना लाया लुया मिसाला और बाकी पट्ठे पुट्ठे वढ़ के मझ नू पाते ने बाकी पै भी ने। अफतारी की पहले तैयारी करिए फिर बाद में जड़ा है ना पट्ठे मझ नू होर पावांगे अगले खा लैटा अलहमदुल्ला जी। आह उत्तों तो कज्जिया होया सारा सूरज ना बिल्कुल गरूब होया खड़ा बस ना कोई अद्धा घंटा मेरे ख्याल रह गया अफतारी विचों ते बस दो पीस ने और अज इन की 2 किलो पैगा किलो पाई दा 2 किलो पैगा और माशाल्लाह अच्छी तरीके सैट हो गया होना हाँ देखने सैट लग रहा होना। अब्दुल आदि साहब भी अपनी गड्डी से आ गया। हाँ जी उठ गया अब्दुल आदि सोया होया सी हुण इत्थे और लैबा उत्ते चढ़ के चला थले लत कि ना चला घुमा देना रोज अवतार कर रहे हैं। तंदूर नू ते जाके दोबारा वेखे ही कोई नहीं लेकिन उन्होंने अजो अजो सैट करना है क्योंकि ज्यादा खुश्क हो गया ना तो फिर उनका मूँह जिहड़ा हैगा ना नहीं कटिया जाना पहले अवतारी करके फिर उनका जाके कोई ख्याल करने हैं। घी इस्तेमाल हो रहा है घी इस बार ना कुछ ज्यादा पाया तो गर्म होने लगे ना कुछ टाइम लगेगा। मसला हुण इस गल का बन गया कि बर्तन छोटा है तो इनू हिलाना बड़ा मुश्किल है हूँ की करिए बिच मुर्गा गया तो समझ लगी कि बर्तन काफ़ी छोटा है ना साइड इनकी चेंज की है कढ़ाई में फड़ के क्योंकि कढ़ाई छोटी थी और एक साइड माड़ी माड़ी जी है ना पक्की अग बड़ी तेज है थले बड़ी मुश्किल ना जड़ा है ना फ्राई किया है और फ्राई मुकम्मल तौर पर हो चुका है तुसी चेक कर लो माशाल्लाह ना बड़ा जबरदस्त पक्या है हूँ तो ना लकड़ होया के है कि नहीं बाकी एक रह गया शाम हो चुकी है रोज़ अफ्तार हो गया सी और अलहमदुल्ला जी माशाल्लाह बच्चा जेड़ा है ना बिस्मिल्ला अब्दुल रहमान तू नहीं खाना अब्दुल वहाब अब्दुल वहाब मैं तोड़ के देनी माशाल्लाह बच्चे जेड़े है ना एंजॉय कर रहे ने नाल बनाई हुई जी चटनी और आग थोड़ी जी मट्ठी हुई खड़ी है आसा आसा पक रहा बड़ा मुश्किल है पकाना वैसे अब्दुल हादी रोई जा रहे है हाँ इत और माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त पकया मैं खुद जेड़ा कहना टेस्ट किया बिस्मिल्लाह हम ताडे कोल खाने माशाल्लाह बड़ा ही बेहतरीन माशाल्लाह दूसरा मुर्गा जेड़ा कहना वह भी साडा ना रेडी होया पाया एक मुर्गा तो बच्चिया ने खत्म कर दिता है अब्दुल हादी बड़ी शौक ना खा रहे बच्चे खा के चले गए ने रोटी पकाने का तो सानू मौका ही कोई नहीं मिलया तकरीबन 7 बजन वाले ने बिल्कुल शाम हो गई हाले तक साडा मुर्गा ना पकता ही पिया बड़ा मुश्किल काम सी मैं तो क्या मिसारा लग्या होना तो 5 मिनट लगन के फ्राई हो जाएगा लेकिन तो बहुत टाइम लगता है अगर कच्चा ला दे तो फिर हड्डू मसला बन जाना सी वैसे पका पका के ला रहा ना माशाल्लाह अलहमदुल्ला जी अज अफतारी जी ना माशाल्लाह कमाल की अफतारी की है जिंदगी दे विच पहली बारी ऐसी अफतारी की असी जिन्ने का बहना भाई सानू शुरू देखते हैं असी अज तक इस तरह मुर्गे वगैरह कदे फ्राई नहीं किए मेरे बड़े दिनों की दिल से मैं कहा ना 2-3 मुर्गे कट्ठे फ्राई करके ना बच्चों रजा के खवाने बच्चे कहन के गोश्त जिहड़ा कहना अज तो बाद नहीं पका इस हिसाब ना और हुण बर्तन वगैरह धोने मसाले वाले बर्तन काफ़ी सारे साढ़े हालांकि एक चीज़ बनाई है तो बर्तन काफ़ी ज्यादा जल गए हैं
सोच रहे हैं आज ना पानी ना इन्हां दा येलो येलो हो गया मच्छियां दा पानी ना आज ना चेंज करते हैं। तंदूर साडा उत्थे ही पिया होया उधर साडा चक्कर ही कोई लग्या अल्लाह का मैं सोच रहा टाइम ना इधरों फारक हो गया तंदूर बनावांगे लेकिन हुण चलो सुबह फर्स्ट टाइम जिहड़ा गम दी कटाई वगैरह करके उन सफाई वगैरह करांगे इंशाल्लाह। मेहनत असीं काफ़ी सारी की है कल ही बड़ी मेहनत की सैकल जी लैन की बड़े पैसे खर्च किए इन्या ने चैनल सबसक्राइब नहीं किया चैनल सबसक्राइब कर दिता करो कोई एक रुपया नहीं लगता किसी का और चैनल सबसक्राइब कर दो तो साडा भी दिल करता मजीद अच्छे तो अच्छे भी ला पता चलता है। हाँ जी और असं भी थोड़े वास्ते विलाग बनाने और बराए मेहरबानी जिन्होंने नहीं किया हो चैनल सबसक्राइब करो जरूर करो बड़ी मेहरबानी उसी गुस्से वाली कोई गल नहीं है। बाकी तंदूर वगैरह सुबह ही बनावांगे वैसे सोच रहे हैं कि लाना कितने है बिल्ली इधर मेरे ख्याल फिर आई फिर दी तो उत्ते बजन ओ वेखन इधर बैठी होनी आ देखो तोते जिहड़ा कि ना नाल उधर आ जांदे ने जां बिल्ली आवे ना आ देखो आ बैठा मेरा मारन का हालांकि मैंने कमेंट से काफ़ी सारे कि नवाज भाई ना अगर नुकसान बिल्ली करे तो मारिया मारन का कोई जरा गुनाह नहीं है लेकिन फिर भी मैं मारिया नहीं इनू मेरे ख्याल वैसे भी चेंज हुई हुई है ना बच्चे देने वाली है जी फिर पाकरी है जी चाय पहले तो मैं डिसाइड किया होया सी तुहानू अगे भी दस्या सी कि ए जिते तवा पिया ने इत्थे तंदूर लाना है लेकिन मैं सोच रहा कि अगर इस जगह पर तंदूर लाया ना तो इनका एक नुकसान भी होगा नुकसान की होगा दीवार जी है ना सारी काली हो जाती है धुएं नाल काली हो जाती अगर दीवार तू हटा के इतने सेंटर च लावे तो फिर बंद बैठने की जगह नहीं आती ए भी मसला है तो दीवार दीवार कि बंदा लावे जिथे ना दीवार वगैरह काली ना हो खराब ना हो अगर तुहानू किसी नू कोई समझ आ रही है तो तुम कमेंट कर ए गली हैगी इतने भी नहीं ला सकते इधर टोका वगैरह पिया होया हाँ उधर बैक साइड तंदूर ला सकते हैं लेकिन उधर फिर काफ़ी दूर पै जाता है और एक जगह तो लग सकता है अगर इस जगह तो खुडे वगैरह ना होना होंगे तो इस नुक्कर से जरा इतने गिरे ला दी है लेकिन हम खुडे बंदा हटा नहीं सकता क्योंकि इन्हें तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा होया है अगर इन्हों मसन टावे तो फिर मसन लंबा चौड़ा खाता है परिंदे वगैरह है वो कितने रखने ने मसन लंबी चौड़ी चीज़ है तो फिलहाल देखने हाले तक कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे कि लाना कितने लेकिन इस जगह से तो मेरा दिल नहीं करता पे क्योंकि ना दीवार सारी काली हो जानी खराब हो जाएगी ए आली जी नुक्कर खाली है लेकिन इनका ना एक मसला है इनका मसला यह है कि सारी पानी की रिड़ान जी ना इस नुक्कर तो निकलता मसन इतों पानी क्ढन की जगह बनाई हो गया इस नुक्कर के ना ला दिता ना तंदूर तो फिर इो मसला बनेगा कि पानी नहीं निकलना पानी रोक गया करेगा तंदूर के कोल के पानी की जगह बना के ना ऐ देखो पानी निकलन की जगह ना इतों ही बनी हुई है और बाकी इस नुक्कर के उत्ते तंदूर ना बड़ा बेहतरीन रहेगा दूँ भी सारा जो उपर जाएगा सैडा तो दीवार वगैरह भी काली नहीं होगी इतने टेंशन नहीं होगी उस सैड तो जोड़ा है ना ना थोड़ी जगह छड़ के ना उत्थे चूल्हा लावे इंशाल्लाह जिते चूल्हा रखी जाए ना इतने पक्का पक्का बेगम को चूल्हा बना दें अहमद भाई भी चैलेंज करता है की खड़ा से मेरे ख्याल चूल्हा दमी या परसों अंदर विलाग आएगा मैंने भी बड़ा इंतजार है कि उन्हें चूल्हा किमें बनाया तो बाकी मैं भी बेगम को चूल्हा बना के देना है जबरदस्त जहाँ बाकी अज का विलाग भी करते हैं खत्म इंशाल्लाह कल मुलाकात होंगी खुदा हाफिज़ अल्लाह की बान बाकी सुबह तो तंदूर की तैयारी करने और डिसाइड करने कि लाना कितने है बाकी मैं तो ऐ जगह पहले आया तुम दसी सी कि इतने तंदूर लावन की दिल से लेकिन उतो कैंसल कराती क्योंकि सारी दीवार खराब होगी हूँ मैं इस नुक्कर से ला रहे हिसाब किताब और पानी नि क्ढन की जगह किसी पास होड़ बनाने तो वह बंद हो जाएगी इस नुक्कर लाने तंदूर।